पढ़ाई कंप्लीट करते हैं फिर कोई ना कोई कारोबार शुरुआत करेंगे, कोई जॉब शुरुआत करेंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी लेडी कोलकाता का साइंस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, टॉप कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए उन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को चालू किया। आज पूरे हिंदुस्तान में एक एग्जांपल है, एक लोता लेडी ऐसा मिलना चाहते क्या? ऐसा हिंदुस्तान के लिए ऐसे एग्जांपल है सर जी, अगर उसको आप ध्यान से सुन लेंगे आपको गर्व होगा और आपको ये समझ में आएगा, आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि हमारे बहन बेटियां भी इस सिस्टम के माध्यम से 4 साल 5 साल के अंदर वो स्वावलंबी बन सकते हैं। क्या मिलना चाहते हैं? अभी भी आवाज नहीं आ रही सर, हिंदुस्तान उसको नाम से जानने लगे हैं। अगर मिलना चाहते हैं तो जोरदार ताली के बीच में है कि नहीं? Yes! मैं बोलूंगी कि अब मैं ये साबित
ऐसा बोलते पागल हो गई हो, इतनी हार्ड पढ़ाई है, तुम्हें लगता है कॉलेज खत्म होने से पहले हो पाएगा? मैं बोली कि सर कैसे होगा ये तो आप बताएंगे, करना मेरा काम है, आप बताइए मैं काम करती हूँ, टेक्निकल बनना है। और कॉलेज खत्म होने से बस 5 महीने पहले मैंने पढ़ने का अपनी अचीव किया था December 2019 में। और जब मैं पढ़ने का अपनी अचीव की थी मैं, तब लगा था कि अब इतनी ताकत आ गई है कि अब कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद दिक्कत यहाँ शुरू हुई, जब कामयाबी है ना वो छोटा मोटा संघर्ष होता है, जब कामयाब बन जाते हैं ना तब असल संघर्ष शुरू होता है, वो होता है डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का ताना का। जब लॉकडाउन लगा घर आई, और जब घर आई तो मैं लोगों को बोलती थी, लोग पूछते बेटा क्या करते हो, आरसीएम करती हूँ, वो सब तो ठीक है, करती क्या हो? यस और नो? और मैंने ये चीज महसूस किया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड बगल में एक लड़की या लड़का खड़ा है, वो बैंक में नौकरी कर रहा है या रेलवे में काम कर रहा है या छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, वो 30,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसको ज्यादा इज्जत मिल रही है उसके कंपेयर में जो मैं उससे दुगुना तिगुना कमा रही हूँ। और ये दर्द मुझे हुआ, मैं बोली कि बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया अपने लिए काम, बहुत कर लिया रॉयल्टी के लिए काम, बहुत कर लिया लड़कियों के लिए काम, बहुत कर लिया टीम के लिए काम, अब असल में जंग स्टार्ट है, अब करूंगी डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम। और लॉकडाउन के बाद फिर मैं दिल्ली गई थी 3 दिन के सेमिनार में, वहां पे मैंने सीखा कि एक्चुअली बिजनेस होता क्या है। मैंने बस 2 लाख रुपया खर्च की थी अपने ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, और खर्च करके मैं बोली थी ऐसे वैसे बिजनेस नहीं करना है, करना है तो प्रोफेशनली करना है। 3 दिन की ट्रेनिंग चली थी, सुबह 8 बजे से लेके रात तक ट्रेनिंग होती थी, रात 11-12 बजे बैठे रहते थे हम लोग, वहां पे ट्रेनिंग चलती थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ट्रेनिंग चल रही थी। मैं उसके पास जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझसे असल में पता चला कि बिजनेस क्या होता है, और मैं पूरे इंडस्ट्री के लोगों को सुनती गई, बड़े बड़े बिजनेस ओनर को सुनती गई, और सुनते सुनते मुझे पता चला कि बिजनेस कैसे 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 क्या होता है। और तब मुझे पता चला कि जो ये लोग बता रहे हैं अलग 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 अलग, वो सब मिलके आश्रम में ऑलरेडी है, क्यों ना इस पे ज्यादा फोकस किया जाए। और फोकस किया और आगे बढ़े, और मल्ली 9 मंथ में December 2019 में मेरी पर्ल की पिन आई थी, और September 2020 लॉकडाउन में मैंने स्टार पर्ल को फाइनल कर लिया, तो मल्ली 9 मंथ। और उसके बाद से एक अलग जुनून है, एक अलग जोश है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जितने भी कोर लीडर है सबकी बेटी बन बन के आशीर्वाद लेके बहुत आगे जाने के लिए तैयारी कर रही है, और ये सौभाग्य मिला है जितने भी कोर लीडर से मिली, कल जनरल सर से मिली, इनका आशीर्वाद फिर से मेरे सर पे आ गया, और अब उम्मीद करती हूँ सर इसी साल में मेरा फाइनल करने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आज जो भी आप लोग आ गए हैं, अगर आप ध्यान से 1 घंटा जनरल सर को सुन लेंगे तो आपकी नाम की जय जयकार पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में आने वाली है। ये छोटा सा मेरा परिचय था, ये छोटा सा मेरा परिचय था, ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो आप लोगों का विश्वास मेरे कंधे पे है, जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी के साथ काम करूंगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करूंगी, आप सबके लिए हूँ, आप सबकी मदद के लिए हूँ, और लगातार काम करूंगी। और कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? जब तक स्टार्ट एवं बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगातार काम करेंगे। और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक अलग ऊंचाई पे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अब जिनको हम सुनने के लिए जा रहे हैं, और कल भी ये बात मैं रिपीट की थी, आज फिर से रिपीट करती हूँ, हमेशा बोला जाता है कि उम्र कोई मायने नहीं रखता, और मगर मैं यहाँ पे एक लाइन और जोड़ू तो मैं भी स्टार पल के मुकाम पे हूँ जिससे 35 लाख का टर्नओवर होता है। अमाउंट की बात करूं तो 60-70 लाख का टर्नओवर हर एक महीने मेरा होता है। बात ये नहीं कि मेरा होता है, बात ये है कि एक 24 साल की लड़की का पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम करते करते इस बिजनेस में हो रहा है, ये सिस्टम की ताकत। एक और एग्जांपल हमारे सामने है, और जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। आज ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, और आज हमारे पास जो जनरल सर आए हैं, इनका भी पूरा का पूरा क्रेडिट जिनके पास जा रहा है, और एक बीटेक इंजीनियर होने के साथ में इस बिजनेस को समझे, दुबई से सब कुछ छोड़ छाड़ के बोल के आए कि हम करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेंगे और अपने देश के उत्थान के लिए काम करेंगे, और उस चीज को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। आप सभी के जोरदार तालियों के जरिए बुलाना।